लंकापाड़ा छोटी पहाड़ी में खुल गया पिकनिक स्पॉट इको पार्क। इस जगह और सुंदर बन रहा आई लव लंकापाड़ा का बोर्ड। नए साल में लोग पिकनिक जाना पसंद करते हैं। क्या आप भी अपने दोस्तों परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं और इस ठंडी में पिकनिक मनाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कहां जाए, तो आप आलेपुर द्वार जिला के लंकापाड़ा में खुला पिकनिक स्पॉट इको पार्क में आप आ सकते हैं। इस पिकनिक स्पॉट को लंकापाड़ा ग्राम पंचायत और मनोकामना सामाजिक कल्याण संगठन द्वारा खूबसूरती से सजाया गया है। यहां से आप एक तरफ ऊंची पहाड़ों की खूबसूरती का नज़ारा देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ चाय के बगानों से गिरी प्रकृति की खूबसूरती देख सकते हैं। इस जगह की सुंदरता को देख एक बार जाने पर आपको यहीं रहने का मन करेगा। इस जगह बच्चों के लिए एक खेल का मैदान भी बनाया गया है। इस जगह सेल्फी के शौकीन लोगों के लिए आई लव लंकापाड़ा का बोर्ड इस जगह की खूबसूरती को और निखार रहा है। समाज सेवी विशाल गुरुंग ने कहा, इस जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। इस जगह यदि आप यहां आना चाहते हैं तो कैसे आए, इसके बारे में रविलम लामा ने क्या कहा, सुने। सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। विशेष गरी आज लंकापाड़ाको यो एउटा ब्युटिफुल प्लेस छोटो पहाड़ एरियामा चाहिँ अहिले जुन 2023 चाहिँ आजको डेटमा चाहिँ ओपनिङ हुन गइरहेको छ, र यो ओपनिङमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका लंकापाड़ा जिपी लगायत कोलाबोरेसन हाम्रो मनोकामना सोसाइटीको छ, र समस्त लंकापाड़ावासीको तर्फबाट जति पनि हाम्रो गेस्टहरू अन्य अन्य विभिन्न डिस्ट्रिक्ट विभिन्न ब्लकका जति पनि गेस्टहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र अहिले हाम्रो आई लभ लंकापाड़ा जुन इनोग्रेसन हुन गइरहेको छ, हाम्रो माझमा विभिन्न सोसियल वर्करहरू, हाम्रो पञ्चायत समितिको सभापतिहरू, जति पनि पुलिस प्रशासनदेखि लिएर एसएससी बलका अफिसरदेखि लिएर हाम्रो बिट बाबुहरू सबैको सहभागी छ। र यसमा हाम्रो एकदमै भ्यू पोइन्ट छ। अहिले हाम्रो फिलहाल नानीहरूको लागि लिङ्गे पिङ एउटा झुलाहरू सँगसँगै यहाँनिर हाम्रो भ्यू पोइन्टहरू छ, र बिस्तारै हाउस राइडिङको पनि यहाँनिर हामीले प्रोभाइड गरेको छ। भोलिदेखिको हाउस राइडिङ पनि यो एरियामा हुन्छ। र यो किन यो हामीले चोइस गरेको भन्दाखेरि, यो जुन छोटोपाड एरिया एकदमै सौन्दर्यले भरिएको जग्गा हो, जसमा चाहिँ यहाँनिर पहाड पर्वत नदी खोला टी गार्डन जुन हरियो परियो, अनि फरेस्ट पनि यहाँ सामने छ। भुटान बोर्डरको सामने जुन एउटा यो आफ्नो आफ्ना एउटा ब्युटिफुल नेचर अफ ब्युटिफुल जो छ, त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै यहाँनिर सबैलाई आकर्षित गराएर सबैलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आज 29 तारिकदेखि जुन ओपनिङ भइरहेको छ र कन्टिन्यू यो चल्नेछ, पिकनिक स्पोर्ट्स इको पार्क मात्रै नभएर आउँदो दिनमा यो कन्टिन्यू नानीहरूको लागि खेल्ने व्यवस्थाहरू पनि गरिनेछ, र यो प्रत्येक महिना नै चल्नेछ।